हेवान आज है दोस्तों हमारे पास एक बीटीएस की मिनी जंबो ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों। और कौन कौन है दोस्तों बीटीएस आर्मी, प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बीटीएस आर्मी हो तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों। और ये देख सकते हो बीटीएस आर्मी की ज्योमेट्री बॉक्स है, इस पे देख सकते हो दोस्तों सारे बीटीएस आर्मी की फोटो छपी है। और अगर आपको इनके नाम पता हो तो प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट में जरूर बताना। पीछे की बात करते हैं, पीछे भी दोस्तों हमें बीटीएस आर्मी की फोटो देखने को मिल जाती है। और यहां देख सकते हो दोस्तों इस ज्योमेट्री बॉक्स में दोस्तों हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बटन मिलते हैं। इन 9 बटन का यूज देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले देख सकते हो बड़ा बटन मिल जाता है, बड़े बटन को दबाते हैं तो बड़ा बटन दबाए तो देख सकते हो शार्पनर का ढक्कन ओपन हो गया। और इस ज्योमेट्री बॉक्स में दोस्तों हमें दो शार्पनर मिलते हैं, एक छोटा शार्पनर एक काफी बड़ा शार्पनर मिल जाता है। छोटा शार्पनर होता है दोस्तों हमारी कलर पेंसिल को शार्प करने के लिए, और बड़ा शार्पनर होता है दोस्तों हमारी एचबी पेंसिल को शार्प करने के लिए दोस्तों। और ये देख सकते हो इसके अंदर के ब्लेड की क्वालिटी कितनी जबरदस्त, कितनी अमेजिंग है। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, देखते हैं दोस्तों इस ज्योमेट्री बॉक्स में कितना स्पेस है और इन बटन का क्या यूज है दोस्तों। तो ढक्कन ओपन किया, ढक्कन ओपन किया तो ये देख सकते हो दोस्तों इसमें हमें काफी बड़ा एक कंपार्टमेंट मिल जाता है। और इस कंपार्टमेंट की गहराई काफी अच्छी है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। और इस ज्योमेट्री बॉक्स में देखो दोस्तों हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पेंसिल लॉक मिलते हैं। और 8 पेंसिल लॉक दोस्तों हमें किसी भी ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं मिलते, देख सकते हो काफी अच्छी क्वालिटी के दोस्तों पेंसिल लॉक मिल जाते हैं। अब इन बटन का यूज देखते हैं तो ये देख सकते हो इन बटन को दबाएंगे तो दोस्तों हमारे पेंसिल लॉक ऊपर हो जाएंगे। ये देख सकते हो सारे बटन को दबाने से दोस्तों हमारे सारे पेंसिल लॉक ऊपर हो गए। और ये देख सकते हो मिसाइल लुक में बन जाते हैं दोस्तों हमारी ये पेंसिल लॉक। मान लो हमें ये वाली पेंसिल को निकालनी है दोस्तों तो इस बटन को दबाएंगे दोस्तों ये वाला पेंसिल लॉक ऊपर हो जाएगा, फिर पेंसिल को काफी इजीली से निकाल लेंगे। तो आपको मैं दिखाता हूं कैसे। पेंसिल को दोस्तों हमने इस वाले लॉक में लगा दी, ये देख सकते हो हमने इस वाले लॉक में पेंसिल लगा ली। और इस वाली पेंसिल को ऊपर से निकालना है तो इस बटन को दबाएंगे, फिर दोस्तों ये पेंसिल लॉक ऊपर हो जाएगा। और ये देख सकते हो पेंसिल हमारी मिसाइल लुक में बन गई, फिर दोस्तों काफी इजीली से इसके पेंसिल को निकाल लेंगे। ये देख सकते हो काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग है दोस्तों, स्पेस भी काफी अच्छा, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। और 8 पेंसिल लॉक दोस्तों हमें वाकई में किसी भी ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं मिलते दोस्तों। और यहां देख सकते हो दो दो मैग्नेट मिल जाते जिससे दोस्तों काफी इजी से इसका ढक्कन चिपक जाएगा और जल्दी हटेगा भी नहीं दोस्तों। बैक साइड के ढक्कन को ओपन करते देखते कितना स्पेस है। तो बैक साइड के ढक्कन को ओपन किया तो देखो दोस्तों बैक साइड हमें काफी बड़ा कंपार्टमेंट मिल जाता है, और पीछे वाले कंपार्टमेंट में देखो दोस्तों हमें टेबल देखने को मिल जाती है। और काफी अच्छा स्पेस भी है दोस्तों इसमें, दोस्तों हमारा काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा और इसमें दोस्तों हमारी काफी सारी पेंसिल भी आ जाएगा दोस्तों। ये मिनी जंबो ज्योमेट्री बॉक्स है दोस्तों बीटीएस की। तो आपको ये बीटीएस की ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इस ज्योमेट्री बॉक्स को मैंने परचेज करी है दोस्तों 150 रुपीज की, ऑफलाइन परचेज करी है, ऑनलाइन परचेज नहीं करी, इसलिए दोस्तों मैं आपको इस ज्योमेट्री बॉक्स का लिंक नहीं दे सकता। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो कर देना वीडियो को लाइक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे वीडियो साथ, अच्छे से कलेक्शन के साथ। जब तक बाय बाय दोस्तों।